विदा पीपल में जो ग्रुप चल रहे हैं उन ग्रुप में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अभी विदा पीपल की आइडियोलॉजी जानते नहीं, समझते नहीं, या समझने की कोशिश नहीं करते, या समझ भी गए हैं तो उनको अडॉप्ट नहीं होती क्योंकि वो पहले से ही किसी और विचारधारा में उसके भक्त हैं, उसके गुलाम हैं। तो यहाँ वो अनवांटेड यानी कि ऐसी पोस्ट जो पोस्ट यहाँ नहीं डालनी चाहिए, जो समय ख़राब करती हैं, वो पोस्ट डालते हैं, या कई बार वो नासमझी में, अनजाने में, या उनको जानकारी नहीं है या उनका ज्ञान बड़ा कम है तब डाल देते हैं। तो विदा ग्रुप में जितने भी ग्रुप में लोग हैं जो समझदार हैं उनको बार बार ये कहते रहना चाहिए कि यहाँ टाइम ना ख़राब करें, यहाँ वही पोस्ट डालें जो जुड़ने और जोड़ने से संबंधित हो, जो लोगों को जोड़े, जो लोगों को जोड़ने के लिए प्रेरणा दे, जो लोगों को समझदारी सिखाए और जो सच पर आधारित हो, जो भारतीय संविधान के अनुरूप हो, या जो बुद्ध के संघ के नियम हैं, संघ को जोड़ने वाले उनके नियम के अनुरूप हो। आप यहाँ डिस्कशन इस बात का तो कर सकते हैं कि संघ में तोड़ने में क्या चीज़ नुकसान करती है, पहले कितने नुकसान हुए, आगे क्या हो सकते हैं फ्यूचर, मगर सब्जेक्ट आपका जोड़ने और जुड़ने का ही रहना चाहिए। फालतू के लिए, फालतू बातों के लिए हजार ग्रुप बहुत सारे आपके पास हैं, इस ग्रुप को बख्श दें, इस ग्रुप को छोड़ दें और अपनी जानकारी का, अपने ज्ञान का परिचय दें और यहाँ काम को सुचारू रूप से चलाएं। लगातार मीटिंग्स अटेंड करते रहें, मीटिंग्स में अपने सवाल पूछते रहें, आप चाहें तो ग्रुप में भी सवाल पूछें, लोगों के जवाब आने दें, वो बेहतर तरीका है अपनी बुद्धि को तेज करने का, अपने दिमाग को तेज करने का। आप एक फालतू की पोस्ट अगर इसमें डालते हैं, चार लोग उसको पढ़ते हैं, उनका समय ख़राब होता है, ग्रुप के जो स्पेस है वो भरता है, काम रुकता है और आपस में आर्गुमेंट होता है, झगड़ा होता है, मनमुटाव होता है, उसका कोई फ़ायदा फ्यूचर में है नहीं। समय बड़ा कम है, ये आपातकाल है। धन्यवाद।